साथियों, आज ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 39 वर्ष पहले आज के दिन सबसे बड़े राजनीतिक संगठन यानी हम सबके दिलों में बसी भाजपा का गठन हुआ था और इसका हम सभी देश प्रेमियों को गर्व है। बीजेपी इसलिए विशेष है क्योंकि ये पार्टी न तो धनबल से बनी है और न ही बाहुबल से बनी है और न ही ये बाहर से उधारी ली गई कोई विचारधारा से बनी है। साथियों, बीजेपी देश की जन जन की आकांक्षाओं में से जन्मी है और पली बड़ी है। भारत की मूलभूत इस मिट्टी की सुगंध के साथ ये उपजी है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रची बसी है और भारत के सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है। हम परिवार पर आधारित नहीं और ना ही हम लोग पैसों पर आधारित है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ताओं ने बनाई है, कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं। चार चार पीढ़ी खप गई हैं। कई पार्टियां पैसों से बनी हैं, ये पार्टी पसीने से बनी है, कार्यकर्ताओं के पसीने से बनी है। जब जब देश में चुनौती आई है तब तब बीजेपी कार्यकर्ता सब कुछ छोड़कर न्यौछावर कर मां भारती की रक्षा में डटकर खड़े हुए हैं और संघर्ष किया है। जेपी आंदोलन के दौरान जनसंघ के रूप में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आपातकाल के दौरान युवा शक्ति के रूप में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दमनकारी और तानाशाही रवैये के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने का काम किया। लाखों भाजपा के जनसंघ के कार्यकर्ता जेलों में रहे, 19-19 महीने जेलों में रहे। जब भारत की एकता और अखंडता पर सवाल उठा तभी बीजेपी एकता यात्रा के साथ देश को एकजुट रखने के लिए आगे आई। चरैवेति चरैवेति के मंत्र को लेकर हम चलते रहते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी तो हमें कहा करते थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता का एक पैर रेल में और दूसरा पैर जेल में रहना चाहिए। यानी बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों की आवश्यकताओं को समझने के लिए जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, लगातार भ्रमण करते रहना चाहिए। उसका एक पैर रेल के डिब्बे में होना चाहिए और दूसरा पैर विकास के जुड़े मुद्दों के लिए, जनता जनार्दन को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करे, संघर्ष करे ताकि सरकार को उसे जेल में डाले बिना कोई चारा न बचे। और साथियों, ऐसा हुआ भी। मुझे याद है, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, गुजरात में था, राजनीति में नहीं था, लेकिन मैंने देखा था अनेक कार्यकर्ता, अनेक ऐसी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महीनों तक जेलों में समय गुजारती थी क्योंकि सरकार के दमन चला करते थे। इस समर्पण से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अगर केरल की तरफ नजर करें, आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है। वहां कोई सत्ता में हम बैठे नहीं है। बंगाल में आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जहां आतंकवाद है वहां भारत
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत माता की जय इसी एक मंत्र के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चार चार पीढ़ी से न कुछ लेना है, न कुछ पाना है, न कुछ बनना है, न कभी अखबार में तस्वीर छपती है, न टीवी पर चेहरा दिखता है, लेकिन फिर भी भारत माता की जय का नाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहते हैं। अपने इस लंबे सफर में अनेक बार बीजेपी के मनोबल को तोड़ने की तरह तरह से कोशिशें की गई, लेकिन पार्टी के निर्भीक और उत्साही कार्यकर्ताओं उनके मनोबल को कभी कोई हिला नहीं पाया, डिगा नहीं पाया। आज बीजेपी का झंडा आज ऐसी जगहों पर लहरा रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर भारत के चारों कोनों में भाजपा का परचम लहरा रहा है। देश भर में लोगों ने बीजेपी को गले लगाया है, अपने दिल में उतारा है। आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, लोकतांत्रिक दल है। आज सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी, ग्रामीण तबके के किसान, महिलाएं आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। देश को कांग्रेस और कांग्रेस से निकली पार्टियों के सामने एक मजबूत विकल्प देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथियों, बीजेपी युवा भारत की पार्टी है, एस्पिरेशनल भारत की पार्टी है। इससे किसान जुड़ रहे हैं, जवान जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं। अगर भारत की राजनीति में किसी दल ने विकास को मुख्य मुद्दा बनाया, उसे जल आंदोलन का रूप दे दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इतने कम समय में इतनी तेजी से आगे बढ़ा दल, इतनी छोटी आयु वाला दल जिसने भारत की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज जब मैं उड़ीसा की धरती पर आया हूं, तो मैं भी देख रहा हूं कि उड़ीसा में चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की, कमल खिलना तय है, उड़ीसा की जनता ने तय किया। कोई 5-7 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहां बीजेपी का डंका बजने लगेगा। आज मैं दावे के साथ फिर से एक बार दोहराता हूं कि ओडिशा में इस बार सबसे ज्यादा कमल खिलने वाले हैं। हमारी इस सफर में भारतीय जनता पार्टी की विचार यात्रा में, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में, भारतीय जनता पार्टी की ताक तपस्या की यात्रा में श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, जगन्नाथ राव जोशी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजमाता सिंधिया जी, ऐसे अनेक तपस्वी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन इस पार्टी को बनाया। और यहां हमारे उड़ीसा में भी किसी जमाने में देवेंद्र प्रधान जी, देवेंद्र महापात्र जी, विश्वभूषण हरिचंदन जी, विक्रम केसरी देव जी जैसे अनेक कार्यकर्ताओं ने अपनी तपस्या से पार्टी को मजबूत किया है। और आज की पीढ़ी भी पूरी ताकत से लगी हुई है और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रही है।